नमस्कार, झारखंडी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए झारखंड राज्य की टॉप 10 प्रमुख खबर जानते हैं। प्रधानमंत्री से बातचीत में 2 सप्ताह तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने का अनुरोध किया। ज़्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री ने 2 सप्ताह तक समय अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार केंद्र इस अवधि तक बढ़ाए जाने पर विचार कर रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में लॉकडाउन की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में श्री मोदी ने कहा कि लोगों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जान है तो जहान है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत कर अपना राज्य का जायजा दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने श्री मोदी से केंद्र सरकार की ओर से विशेष सहयोग की अपील की। हेमंत सोरेन ने मनरेगा की मजदूरी बढ़ाए जाने की मांग किया। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में मनरेगा मजदूरी सबसे कम है, उसे बढ़ाकर 300 रुपये किया जाए। पारा शिक्षकों के वेतन पर लगा रोक। खबरों के अनुसार राज्य के पारा शिक्षकों BRP CRP के मार्च माह का मानदेय भुगतान गुरुवार को कर दिया गया है। 58,183 पारा शिक्षकों का मानदेय उनके बैंक खाते में भेज दिया गया, जबकि 2,200 पारा शिक्षकों का वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया गया है। वैसे पारा शिक्षक जो मार्च माह में एक भी दिन बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं बनाए थे, उनका वेतन भुगतान पर रोक लगाया गया है। वहीं एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा का संजय दुबे ने बताया कि स्कूल में टैब नहीं होने के कारण ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बन पाया, उन्हें पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान किया जाए। झारखंड में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कल 3 नए पॉजिटिव केस मिले, जिसे मिलाकर अब तक कुल 17 पॉजिटिव केस हो चुके हैं, जिससे 13 तबलीगी जमात के हैं। वहीं एक 12 साल की बच्ची की मौत रिम्स पहुंचते ही हो चुकी, जो कि हिंदपीढ़ी की ही कोरोना संदिग्ध थी, जिसकी जांच रिपोर्ट आना भी बाकी है। ट्रेन परिचालन पर लगा रोक। खबरों के अनुसार रेलवे ने सभी ऑनलाइन टिकट को रिफंड करना शुरू कर दिया है। रेल मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि 15 अप्रैल से यात्री ट्रेनें के परिचालन का कोई योजना जारी नहीं की गई है। इस बारे में बाद में फैसला लिया जाएगा। रेलवे ने कहा कि जब भी रेलवे कोई फैसला लेगा तो इसकी जानकारी ही दी जाएगी। झारखंड में जीवन रक्षक दवाइयों की हो रही है कमी। खबरों के अनुसार संक्रमण के कारण देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, इसके कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रांची के दुकानदारों का कहना है कि जीवन रक्षक दवाइयां जैसे रक्तचाप, मधुमेह जैसी दवाइयां की कमी हो गई है, दवाएं सही समय पर नहीं पहुँच पा रही है। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार इस महामारी से लड़ने में तत्परता दिखा रही है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पूरी तत्परता से लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ कई प्रदेश के पार्टियां के अध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बात किए। इसमें स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी उपस्थित थे। हेमंत सोरेन ने प्रवासी मजदूरों और अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए अलग कमेटी का गठन किया है। उन्होंने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों के खाते में सहयोग राशि ट्रांसफर करने की बात कहा है। मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में जल्द से जल्द ऐसा तंत्र विकसित करने जिससे प्रवासी मजदूरों का सारा ब्यौरा हो सके और उन्हें राशि दिया जा सके। साथ ही उन्होंने विशेष बस से मजदूरों को वापस लाए जाने की बात भी कहा है। उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किया है, जिस पर आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। नंबर है 0651249037। झारखंडी हिंदी साहित्य के लेखक डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का निधन 11 अप्रैल शनिवार को हो गया। वे 84 साल के थे। गोस्वामी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नागपुरी भाषा और साहित्य पर शोध किया था। उनका पहला उपन्यास जंगल तंत्रम, जिसे राधा कृष्णन सम्मान मिला था। पीएम केयर फंड के नाम पर 52 लाख की ठगी। 2 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साइबर अपराधियों ने पीएम केयर रिलीफ फंड .com के नाम से एक फर्जी वेबसाइट तैयार कर लिया, जिससे कई लोगों से लाखों रुपये का भुगतान किया। 2 आरोपी हजारीबाग के रहने वाले हैं, वे आपस में सगे भाई हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप बहुत सारे यूजर्स में से सही दिया, जिनका कमेंट हमें अच्छा लगा। उनका नाम है उपेंद्र प्रसाद, ब्रह्मदेव महतो, धर्मवीर महतो, धनश्याम, धनजय बावरी। इसके अलावा औरों का कमेंट हमें अच्छा लगा। आप जवाब देते रहे, हम आपका नाम कल लेने की पूरी कोशिश करेंगे।
आज का सवाल, सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को स्पेशल बस द्वारा घर वापसी का फैसला कितना सही और कितना गलत रहेगा, आप हमें कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें। धन्यवाद।